दोस्तों दूसरे पड़ाव में आपको प्राचीन खंडर में जाना है। क्या हमारे प्लेयर्स पूर्वजों के संकेत समझ पाएंगे? देखो मैंने कहा था ना कि मैं बहुत लकी हूँ, हमें वो लाल रंग मिल ही गया। होली फ्लेम ड्रैगन, ड्रैगन रोर। क्या किम जोल और वीर इस भूल भुलैया की राज को सुलझा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। चलो यहाँ से निकलो और अपनी जान बचाओ। डेविल ग्रुप का आगमन। गेलो फॉक्स, थंडर स्ट्राइक, डंजन वुल्फ, स्काई विजर्ड। मजेदार था। जल्दी करो, यहाँ आगे और भी मजा आने वाला है। मुझे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। मुझे कोई तो बचाओ, प्लीज हेल्प। आयरन टॉर्टोइस, अभी हम कुछ ही पल पहले मिले और अभी हम दूर होने जा रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा मेरे टॉर्टोइस, आशा है तुम्हें अगली बार एक ऐसा साथी मिले जो तैर सकता हो। हे, सुनो, तुम डर क्यों रहे हो? पानी का लेवल तो कम है। मुझे पता था, मुझे तो सिर्फ टॉर्टोइस का टेस्ट करना था और मैं जी जान लगा के वही करता था। लगता है मुझे टॉर्टोइस के साथ और भी ज्यादा दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। रायन भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर आपने इस बेवकूफ को हमारे टीम में क्यों शामिल कर लिया? क्योंकि मुझे लगता है ये काम आएगा। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, दरवाजा बंद ही होने वाला है। बहुत देर हो गई है। होली फ्लेम ड्रैगन, चलो। होली फ्लेम ड्रैगन, आगे बढ़ो। हेल हॉर्स, अपनी पावर दिखाओ। स्टॉर्म फीनिक्स, आगे बढ़ो। किम, जोल, इसका क्रेडिट तुम अकेले नहीं ले सकते वीर। देखो वीर, ये मत भूलो कि हम एक टीम है। चलो चलो। तुम ठीक हो ना? कमाल है, मुझे गिरने के बाद भी चोट नहीं लगी। मेरे ऊपर बैठोगी तो कैसे चोट लगेगी तुम्हें वीर? मुझे माफ करना। फॉक्स, थंडर स्ट्राइक, डंजन वुल्फ, स्काई विसल, आयरन टॉर्टोइस, आयरन बैशंस। वॉटरफॉल लेवल पार करने के लिए आप सभी को बधाइयाँ। इसके बाद आपका अगला लेवल है विंडमिल स्टोन पिलर। आखिर ये खेल खत्म हुआ, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बाप रे, ये जगह तो बहुत थका देने वाली जगह है और काफी बोरिंग भी है। अभी तुमने कहा कि मजा नहीं आ रहा, कार्ड के बारे में बाद में होगी, अभी हमें जल्दी करनी होगी। मैं नहीं जानता, मुझे आराम करना है, आराम करना है, बस आराम करना है, मुझे आराम करना है, बहुत आराम करना है। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे आराम करने दो। और ठीक है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब मैं आराम कर पाऊंगा। वीर और उसकी टीम ने मशाल चलाकर सफलतापूर्वक रेड पॉइंट को पार कर लिया है। आप सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या बात है, फिर तो उसके मलबे से मैं अपने कलेक्शन की वैल्यू और भी बढ़ा सकता हूँ।
मुझे लगा नहीं था कि यंग मास्टर इसे पास कर पाएंगे। चलो अब चलते हैं। रायन भाई, आपको नहीं लगता हमें एक ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़े? रायन भाई, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? रायन भाई रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। करना, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब इन सारे एरियाज में मशाल जल चुकी होगी। लेकिन ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे मशाल जलेगी। मैं ये होने नहीं दूंगा, डेविल ड्रैगन के जागते ही दुनिया बदल जाएगी। क्या ये वही पिलर ऑर्गन एरिया है? इस लेवल में आपको पिलर्स के बीच से होकर गुजरते हुए आगे बढ़ना है और अंत में जाकर आपको मशाल जलानी है। ये टास्क तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, अभी करके दिखाता हूँ। रुको। क्या हुआ, आप क्यों रोक रहे हैं? ये विंडमिल मुझे कुछ टूटी फूटी लग रही है, लेकिन ये अभी भी ऊपर चल रही है, कुछ अजीब धाराओं से ऊपर है। कुछ धाराएं तो हजारों वोल्ट से भी ऊंची होती है जो हवा में घुस सकती है। चीजें आसान नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं नहीं, इससे तो करंट निकलेगा। ऐसा लगता है कि सभी चीजों पर विंडमिल ऑर्गन जोन में लॉन्च की गई करंट अटैक है। अगर स्पिनिंग टॉप मारा गया तो फट सकते हैं। आयरन टॉर्टोइस, हमें मिले कुछ वक्त भी नहीं हुआ और अब हम दूर भी होने वाले हैं। तो रायन भाई, ये टास्क हम कैसे पूरा करेंगे? बस एक ट्रायल करना होगा। एक विंडमिल में बिजली चालू करने के लिए 0.177 सेकंड की जरूरत होती है। मुझे लगता है मुझे अपनी कैलकुलेशंस को और तरीके से सोचना होगा ताकि मैं युद्ध जीत सकूं। 0.177 सेकंड्स? मैंने सुना है कि रायन की कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक है, पर वो इतना सही कैलकुलेशन कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से गैलोफॉक्स की स्पीड इस टास्क को पूरा करने के लिए काफी है। आर्मर टर्टल एक डिफेंसिव स्पिनिंग टॉप है जिसकी स्पीड ये तो खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे राइट पैर में तो बचपन में ही चोट लग गई थी जब मैं बहुत खेलता कूदता था। रायन, इसके अलावा क्या और कोई दूसरा तरीका है? तुमने अपना बायां पैर पकड़ा हुआ है। मेरे पैर। तुम चलने के लिए तैयार हो? रायन भाई, एक रेस हो जाए, देखते हैं किसके स्पिनिंग टॉप की स्पीड ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। डंजन वुल्फ लॉन्च। येलो बॉक्स लॉन्च। तुम लोग चले क्यों गए? मुझे भी अपने साथ ले चलो। आए टॉर्टोइज, इसे अब अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं। आए टॉर्टोइज लॉन्च। रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ। कौन हो तुम? हम डेविल ग्रुप हैं। क्या कहा, डेविल ग्रुप? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हारे गले में दर्द हो रहा है? तो ये आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करो। इधर आओ तुम। ऐसी आवाज बदलने वाले मशीन की वजह से आ रही है, इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें? आवाज बदलने वाला? हाँ, ये एक तरह की मशीन है जो आपकी आवाज को बदल देती है। इसका काम आपकी उम्र और जेंडर को छुपाना है।
इसका मतलब है वो हमें अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। सबसे पहले तुम लोगों को बधाई अपने सफल परीक्षण के लिए। आगे आओ। ये इस बार तुम्हारा मुकाबला डेविल ग्रुप से है। नेक्स्ट लेवल रियल बैटल है। मैजिक टीम के मेंबर्स ने हर टीम को चुनौती दी है। हर टीम एक एक करके बारी बारी से अपने मेंबर्स को भेजेगी। हारने वाले को टीम से निकाल दिया जाएगा और जो लास्ट तक बचेगा वो ही इस खेल का विनर होगा। तो क्या तुम लोग नियम समझ चुके हो? तो तुम में से कौन जाना चाहेगा? सबसे महान टॉप स्पिनिंग योद्धा तो मैं ही हूँ, इसका मतलब मैं ही पहले जाऊँगा। ये को पहले मैं जाऊँगा। फिर से तुम भी बिल्कुल जोल के जैसे ही हो। पहले मेरी बारी है। रुक जाओ, ये राउंड पिछली बार की तरह नहीं है, ये एक अलग राउंड है। इसमें दूसरे के लड़ने के तरीके को जाने बिना आप डिफेंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। मुकाबले को ध्यान से देखो, मौके का फायदा उठाओ, आगे तुम्हारे काम आएगा। यूज़लेस कहीं का। रायन भाई, हम इसके भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इसने गड़बड़ की तो हम इसी राउंड में मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। खतरा हार्डी, एक्सेक्ट 3 बजे, गति बढ़ानी होगी। येलो फॉक्स, थंडर स्पीड। येलो फॉक्स। गलत, येलो फॉक्स को करंट से बचना आना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए? मैं कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने जरूर कोई इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी है। जब से मैं इस विंडमिल के एरिया में आया हूँ सब गड़बड़ी हो रही है। हार्डी के गैलप फॉक्स पे लगातार करंट के अटैक हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, फिर से फॉक्स, थंडर स्पीड। गैलप फॉक्स जिस एक्सेस पर घूम रहा है उससे बहुत ही ज्यादा करंट पैदा हो रहा है। मुझे यकीन है कि गैलप फॉक्स से निकलने वाली करंट पावर विंडमिल की पावर को बराबरी से टक्कर दे सकती है। हार्डी, काउंटर अटैक करो। वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो करंट उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। गैलप फॉक्स, वहां से निकलने की कोशिश करो। हार्डी, रुक जाओ। येलो फॉक्स, सुपर एक्सप्लोसिव आर्मर, होली बिस्ट एक्टिवेट। अपनी स्पीड बढ़ाओ। मुझे कम मत समझो, अभी दिखाता हूँ येलो फॉक्स थंडरबोल्ट। अरे बाप रे, कितनी तेज रोशनी है। ये क्या,
गैलोफॉक्स की पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे और अटैकिंग एनर्जी की जरूरत है। खतरा डंजन बुल सुपर एक्सप्लोसिव आर्मर होली पीस एक्टिवेट। खत्म कर दो डंजन बुल। एक बार हमले के बाद इन था। ये तुमने किया? मुझे माफ करो, मुझे थोड़ा लेट हो गया। लगता है कि तुम्हें आर्मर टॉयज की काबिलियत पता चल गई। हाँ, जब बिजली मेरे पीछे से कड़क रही थी तब मुझे पता चला कि आयरन टॉयज अभी भी पत्थर की दीवारें बनाकर बिजली से बचाव कर सकता है एक हवा का झोंका। लेकिन रुको, तुम्हें ये कैसे पता? आर्मर टर्टल की स्पेशल पावर से तुम स्पिनिंग टॉप को खतरे से बचा सकते हो, और हमारी टीम को तुम्हारे जैसे प्लेयर की जरूरत थी जो हो हमें इस खतरे से बचा सके। तो अब आओ और हमारी जीतने में मदद करो। इसका मतलब तुम जानबूझ के पीछे से अटैक कर रहे थे ताकि मुसीबत का हल निकाल के हमारी मदद कर सको। ऐसे खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है रायन भाई हम ये राउंड क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम एक हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं और सब खत्म करते हैं। यस, गैलो फॉक्स थंडर स्ट्राइक, गेल पुल सोनिक स्पीड, आयरन टॉर्टोइज आयरन हैमर। वीर और अन्य लोगों को इस कंपटीशन का सबसे बड़ा चैलेंज पार करना पड़ा, जो मुश्किल था। डेविल ग्रुप की ताकत सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सब केंजी का जाल था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।